सारे चुनाव निशान देखकर मैं तो हो गई हूँ हैरान और परेशान। समझ में नहीं आता कि वोट किसे दे श्रीमान। अरे अब न लगाओ किसी की बातों पर ध्यान, बस याद रखो किताब का चुनाव निशान। किताब का चुनाव निशान, मगर ये किसका है श्रीमान? वही जो समस्याओं का करे समाधान और सबके दुख सुख में आए काम, ऐसा तो है बस एक ही नाम। मैं समझ गई जी, मास्टर श्रवण कुमार की पत्नी श्रीमती बबीता है उनका नाम, और किताब है चुनाव निशान। किताब के चुनाव निशान पर ही मोहर लगाएंगे और चुनाव वाले दिन यानी 26 तारीख को वोट डालने जरूर जाएंगे। इसी में समझदारी है, और किताब के चुनाव निशान पर मोहर लगाना हम सबकी जिम्मेदारी। आपकी कोशिश हमारा प्रयास, मिलकर करेंगे ग्राम पंचायत अकबरपुर कालसो का चहुमुखी विकास। भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, और इन चुनाव में ग्राम पंचायत अकबरपुर कालसो से प्रधान पद हेतु ईमानदार, जागरूक, शिक्षित, होनहार, जिम्मेदार, समझदार मास्टर श्रवण कुमार MA BEd PhD NET की धर्म पत्नी श्रीमती बबीता MA BEd चुनाव लड़ रही है, जिनका चुनाव निशान है किताब। किताब 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 के चुनाव निशान पर ही मोहर लगाएं, और मास्टर श्रवण कुमार की पत्नी श्रीमती बबीता को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाएं, और चुनाव वाले दिन यानी 26 सितंबर को वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है, अपने अधिकार का सही उपयोग करें। जिनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी, हर गरीब हर मजदूर हर वर्ग की कामयाबी होगी। अगर चाहते हैं अपने ग्राम पंचायत अकबरपुर कालसो में उन्नति प्रगति और विकास, तो देना होगा मास्टर श्रवण कुमार का ही साथ। युवाओं की आशा, बुजुर्गों का विश्वास, वोट दीजिए उसे जो करा सके चहुमुखी विकास। और ऐसे हैं एक ही ईमानदार उम्मीदवार जिनका चुनाव निशान है किताब। किताब 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 के चुनाव निशान पर ही मोहर लगाएं, और मास्टर श्रवण कुमार की पत्नी श्रीमती बबीता को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाकर प्रधान पद दिलाएं, और चुनाव वाले दिन यानी 26 सितंबर को वोट डालने जरूर। मास्टर श्रवण कुमार की प्रतिज्ञा कार्य योजना। हम आपसे वादा करते हैं कि ये मेरे वादे नहीं प्रतिज्ञा है, जिन्हें हम तीनों गांव कालसो, खेड़ली, रोला हेड़ी, निवादा में बिना भेदभाव के जमीन पर उतार कर दिखाएंगे। बस आप हमारा साथ दीजिए और किताब के चुनाव निशान पर मोहर लगाइए, और फिर हम आपको करके दिखाएंगे विकास ही विकास। जी हाँ, ग्राम पंचायत के तीनों गांव कालसो, खेड़ली, रोला हेड़ी, निवादा में बिना भेदभाव, जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत कालसो, खेड़ली, रोला हेड़ी, निवादा में होने वाली प्रत्येक गरीब बहन बेटी की शादी में 100 किलो गेहूं, 100 किलो चावल, आर्थिक सहायता व एक सिलाई मशीन मुफ्त देने का काम करेंगे। ग्राम पंचायत के तीनों गांव में प्रत्येक गली मोहल्ले चौराहे पर CCTV कैमरे लगवाने का काम करेंगे। प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत के तीनों गांव में 12वीं पास करने पर बहन बेटियों को साइकिल अथवा सिलाई मशीन देने का काम करेंगे। गरीब व पात्र व्यक्तियों को उनका हक, जैसे कि पक्का घर, राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, श्रमिक कार्ड, शौचालय, मनरेगा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, शपथ पत्र आदि पंचायत स्तरीय पर
सभी कुछ निशुल्क व समय पर बनवाए जाएंगे। प्रत्येक परिवार के सदस्यों के लिए 10 लाख दुर्घटना बीमा मुफ्त देने का काम करेंगे। ग्राम पंचायत के तीनों गांवों में प्रति माह गली मोहल्ले में चौराहों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराने का काम करेंगे, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। भारत सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं को निस्वार्थ भाव से गरीबों, मजदूरों, किसानों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आज हम सब मिलकर पक्का संकल्प लें कि आने वाले चुनाव के दिन हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। पोलिंग बूथ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ किताब 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 के चुनाव निशान पर ही मोहर लगाएंगे। और मास्टर श्रवण कुमार की पत्नी श्रीमती बबीता को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाकर अपने ग्राम पंचायत अकबरपुर कालसो से प्रधान पद दिलाएंगे और चुनाव वाले दिन यानी 26 सितंबर को वोट डालने जरूर जाएंगे। मास्टर श्रवण कुमार जिंदाबाद, श्रीमती बबीता जिंदाबाद, ग्राम पंचायत अकबरपुर कालसो की जनता जिंदाबाद, किताब चुनाव निशान जिंदाबाद।